हेलो सेकंड क्लास, हाउ यू ऑल। हमने पहले पार पढ़ा था ना, रास्ते का पत्थर। ओके, अब हम करेंगे इनके शब्दार्थ। ओपन योर नोटबुक, राइट द डेट 4/9/2020। प्रातः सुबह, वृक्ष पेड़, ग्राहक खरीदार, सहायता मदद, कार्य काम, भ्रमण घूमना, ग्वाला दूध वाला, प्रयत्न कोशिश, सभ्य खुद, मुख्य खास। ओके, अब हम करेंगे इनके प्रश्नों के उत्तर। नंबर वन, राजा कैसा था? उत्तर, राजा दयालु और न्यायप्रिय था। नंबर टू, राजा को ठोकर क्यों लगी? उत्तर, एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला, चलते चलते अचानक उसे ठोकर लगी। नंबर थ्री, राजा पेड़ के पीछे क्यों छिप गया? उत्तर, राजा ने सोचा ना जाने यह पत्थर कितने दिन से यह पड़ा है, देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। यह सोचकर राजा पास ही एक वृक्ष के पीछे छिप गया। नंबर फोर, किसान ने पत्थर देखकर क्या किया? उत्तर, किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया। नंबर फाइव, बूढ़े आदमी के साथ क्या हुआ? उत्तर, बूढ़ा आदमी फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा, उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। नंबर सिक्स, पत्थर रास्ते से कैसे हटा? उत्तर, लड़के ने देखा एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है, वह सभ्य राजा ही था, दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक और कर दिया। नंबर सेवन, राजा ने लड़के के लिए क्या किया? उत्तर, राजा ने शाम के लिए इस कार्य के लिए उसकी पाठशाला के मुख्य अध्यापक के पास एक पुरस्कार भिजवाया। ओके, अब हम करेंगे इनके खाली स्थान भरो। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। नंबर वन, राजा दयालु और डैश था। क्या था? राजा दयालु और न्याय प्रिय था। ओके, नंबर टू, राजा ने रास्ते में एक डैश पड़ा हुआ देखा। क्या देखा था? नंबर टू, पत्थर। नंबर थ्री, ग्वाले के डैश पर चोट लगी और सारा डैश भी गिर गया। कहाँ चोट लगी थी? नंबर थ्री, घुटने पर चोट लगी और सारा दूध, ओके, दूध भी गिर गया। नंबर फोर, राजा ने देखा घोड़े पर एक डैश बैठा था। क्या बैठा था? नंबर फोर, सिपाही। नंबर फाइव, मुख्य अध्यापक ने सबके सामने शाम की डैश की और उसे डैश भी दिया। क्या दिया था? प्रशंसा की और नंबर फाइव, पुरस्कार दिया। प्रशंसा की और पुरस्कार भी दिया। ओके, ये आप लोग ने अपनी नोटबुक पे करना। ओके, थैंक यू।